हाँ तो बॉयस, मजा आया मेरी कार में यहाँ स्कूल आने में। एसी तो बहुत ठंडा है, पूरे पसीने आ गए देखो। अच्छा बाकी सब छोड़ो, ये बताओ ये गाड़ी होगी कितने की? मुश्किल से मुश्किल 2 लाख रुपए की। नहीं, डेढ़ की। अबे नैनो थोड़ी है ये, डेढ़ की दो की, अरे पूरे 25 लाख की गाड़ी है ये। 25,000 कहाँ से आ गई है? 25 लाख। 25 लाख की गाड़ी? गाड़ी है कि ट्रक है? अबे ऑटोमेटिक है, समझा? कंपनी देख रहा है, टाटा। अरे टाटा तो घर की गाड़ी है अपनी। कैसे? राहुल के पास आ गई ना। अब ये नहीं पूछोगे कि ये गाड़ी आई कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? अरे मेरे पापा प्रिंसिपल जो है स्कूल के, उन्होंने गिफ्ट दिए है। उन्होंने बोला कि बेटा तूने पैदल आता है स्कूल है, तो मैं तुझे पैदल देख नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दी गाड़ी, ताकि मैं गाड़ी से आ सकूं स्कूल। अरे भाई पैसा तो क्या नहीं हो सकता भाई, थोड़ा ठीक है। तुम मेरे साथ रोज आया करोगे इस गाड़ी में स्कूल? भाई मेरे को भी उठा ले करियो टाइम से पहले, 7 बजे सुबह सुबह। लेकिन उसके लिए ना एक शर्त है। क्या? क्या? मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है फिर मैं अकेले आ जाया करूंगा गाड़ी पे। मैं ही तो करूंगा। हाँ तो चलो क्लास लगने वाली है, चलें। क्या है ये? कब तक इस साइकिल पे आएंगे? वो भी पंचर साइकिल पर। अरे बेबी चिंता मत करो, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना अगले हफ्ते। अब क्या हो गया? चेन उतर गई। मैंने तुम्हारी इस खटारे साइकिल से परेशान हो चुकी हूँ। अरे कोई बात नहीं, अगले महीने ले लूंगा मैं स्कूटी, फिर स्कूटी से आया करेंगे। तुम्हारे हफ्ते यही बोलते हो, अगले हफ्ते भी स्कूटी खरीद लूंगा, अगले हफ्ते भी स्कूटी खरीद लूंगा। अब तक तो तुम्हारी स्कूटी आई नहीं, पता नहीं कभी आएगी तुम्हारी स्कूटी। अरे आ जाएगी, इस बार पक्का आ जाएगी, पैसे आएंगे ना तो उसे खरीद लूंगा। उसके बाद स्कूटी पे तो आना ही है ना। अभी चलो चैन चढ़वा दो। चलो मैं क्यों हेल्प कर रहा हूँ, तुम खुद करो, तुम्हारी साइकिल है, प्लीज चढ़वा दो ना। ठीक है करवा रही हूँ। चढ़ गई चढ़ गई, चले चलो। हाँ चलो। अब क्या हो गया? चैन उतर गई फिर से। कोई बात नहीं बेबी, फिर से चैन चढ़ा के ना चलते, बस यही थोड़ा सा जाना है। मेरे को नहीं चढ़वानी तुम्हारी चैन, मैं तो बोल रही थी तुम्हारी ये साइकिल खटारे, बेच दो इसे। बेच दूंगा, फिर स्कूटी पे तो चलेंगे ही। मैं ना तुमसे परेशान हो गई, मैं जा रही हूं, वैसे भी स्कूल पहुंच चुके हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, आ जाओ ना बैठो। मेरे को नहीं बैठना। आओ ना यार बेबी। अरे मेरी मेरी बात तो सुनो बेबी। अबे यार ये पंचर भी होगी, साली खटारा साइकिल, कभी नहीं लाऊंगा इसको मैं, बेइज्जती करवाती रहेगी। थोड़ा साइड में। हाँ जिद्दी, काश हमारे पास भी ऐसी लड़की होती यार, जो हमारे हाथ पैर दबाती है ना। ये रही तो कह रहा, वैसे तो मीठा है। दाढ़ी भी नहीं आ रही इसकी तो। अरे दोस्तों मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। ना ना मत बता, मैं सुननी नहीं है। हाँ। भाई, भाई मेरा मतलब है सुननी है ना भाई, ये कह रहे कि जल्दी बताओ क्या बात है। हाँ जल्दी बताओ। सॉरी बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। दिखाऊंगा? क्यों? क्या दिखाएगा ऐसा ही? पूछो पूछो पूछो, क्या क्या दिखाएगा? जी, 3 कैमरे वाला फोन। अरे भाई कौन सा फोन है? अरे भाई ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा 1TB। प्रो मैक्स वन, क्या बोले? 1TB स्टोरेज, सबसे महंगा वाला फोन है भाई ये। मतलब 1TB? अरे उसका स्टोरेज है यार वो। अबे क्या जीबी के बाद जो टीवी आता है एलईडी। एलईडी है। अरे भाई तू कहाँ से ले आया फोन, वो भी स्कूल में? तुम्हें पता नहीं क्या, पिछले हफ्ते मेरे पापा वहाँ दुबई गए थे। अरे जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। अरे प्रिंसिपल होगा यार, पर तू फोन कहाँ से लेके आया ये तो बता। हाँ यार हर बार अपने पापा की धमकी देता रहता है, मेरा पापा प्रिंसिपल है, मेरा पापा प्रिंसिपल। ठीक है यार अच्छी बात है तेरा पापा प्रिंसिपल है। फोन का बता, फोन कहाँ से लेके आया तू? स्कूल में रहना नहीं रहना? ओए
अगर पीटीआई सर ने तेरा फोन पकड़ लिया तो? यार तेरे को पता नहीं क्या यार, मेरा पापा प्रिंसिपल है, पीटीआई सर ने मेरा फोन पकड़ा था, मैं उनको बाहर निकलवा दूंगा स्कूल से। और अगर पीटीआई सर ने तेरे को स्कूल से बाहर निकलवा दिया तो भले पापा है तो प्रिंसिपल ना? अरे तो पापा प्रिंसिपल है तो मेरे को डर किस बात का? यार बहुत रही से आ रहे तो। हाँ यार इसके पापा प्रिंसिपल है तो रईस तो होगा ही ना। हाँ रईस तो है वैसे, सुबह सुबह उठ के क्या करता है, 119 रुपए की चाय पीता है, वो भी ब्रेड के साथ। अबे हमें तो फैन के साथ नहीं मिलती। और क्या, हमें चाय नहीं मिलती, फैन कहाँ से मिल जाएगा? चाय तो मिल जाएगा। हाँ घर में चाय चीनी पत्ती सब कुछ है, पर जब भी जनाब बाहर से लाके पियेंगे। वो छोड़ पूछो कितने का है, पूछ लेंगे, रुक जा, कितने 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 का है। ओए दादा से आ रही है? नहीं बेटा मैं देखना, तुम्हें तो स्कूल से निकलवाऊंगा। सॉरी भाई, सॉरी जोक सपाट। हाँ मजाक। अरे ओ अगली बार फालतू बोला ना किसी ने, स्कूल से निकलवा दूंगा। पिछली बार भूल गए हैं, यूटी किसने पास करवाया था? बहुत एहसान है मेरे। बकवास कर रहा, आओ तुम्हें फोन दिखाऊं कैसे चलाते हो। तू कितने का है? रुक जाना मेरे को तो। इधर इसे चला देख। अरे भाई इस पर तेरा वॉलपेपर भी लगा हुआ है। हाँ अबे ये देख ना तू, इसमें भाई बहुत चीजें खेल सकता है तू, ये देख पबजी भी है इसमें। चलाइयो चलाइयो। और भाई पबजी तो बैन हो गई थी ना भाई? तो अरे दुबई वाला फोन है। दुबई वाली पबजी है ये। और ये देख इसमें तू इंस्टा भी चला सकता है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स भी है इसमें और प्राइम भी है इसमें। और भाई वैसे एक सुन दो ना मुझे भी ले लिए। रुक जा सरल भाई, एक बात बताना, ये फोन कितने का आया? ये पूरे 2 लाख रुपए का। 2 लाख मेरे 3 साल की फीस स्कूल की। अरे 4 साल की अभी। चलो इसी बात पर मैं चलता हूँ। एक ही स्कूल में था दोनों? हाँ और वो भी एक ही क्लास में। अरे मेरी पिछले साल की पेंडिंग पड़ी है ना यार, इतना महंगा फोन स्कूल में लाना, भाई ये तो बहुत अमीर का लड़का है यार। इसको मतलब कि प्रिंसिपल बहुत कम आता है हमारे से। हाँ नहीं कह रहा प्रिंसिपल आके। लंच पीरियड हो गया है, यही मौका है फोन निकालने का, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। क्या टूटा फूटा फोन दे रखा है यार घर वालों ने। राहुल के लेके आया, राहुल के लेके आया, राहुल के लेके आया। मैं कुछ नहीं लाया। ये क्या छुपाया तुमने? ये कुछ भी नहीं है। ये लाइट वाली क्या चीज थी? पांक ये वो मेरा वो कॉपी मेरी लाइट वाली। जल्दी बता क्या लेके आया तू? मैं फोन लाया था बेटे, मैं बताया था तू ना फोन लेके आया, फोन वो भी किसी को बिना बताए। भाई ये फोन नहीं है, ये डमी फोन है, डमी। अच्छा मेरे यहाँ पे कोई लिखा हुआ है क्या? इस पर डिस्प्ले आ रही है, फोन नहीं है, है? डमी फोन है क्या? और इसके माथे पे सी लिखा है? हाँ ना, क्या क्या कह रहा तू है? अच्छा ये डमी फोन है तो ये चल कैसे रहा है? वो गलती से इसका मोड ऑन हो गया, वो टू नू 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 हो गया। हाँ, अब ये डमी है यार, टूटा फूटा फोन है ये कहीं। अरे पागल कैसे मना रहा है, हम पागल बैठे हैं? स्कूल में फोन लेके आया तो बेटे तेरे तो फंसवाना पड़ेगा, सर से पिटवाना पड़ेगा। यार मेरे पापा ने मेरे को दिया था ये इसलिए दिया था ताकि अगर मान ले स्कूल में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई डाकू आ जाए, कोई चोर हो जाए, कहीं आग लग जाए, तो मैं फोन करके घर पे बता तो सकता हूँ। अच्छा स्कूल के ऑफिस में फोन नहीं है जिससे तू फोन करके पापा को बता सके? अच्छा ये टीचर वगैरह तो पागल बैठे यहाँ पे, इनके पास फोन ही नहीं होगा। हां चिट्ठी बोलना यार। हां बिल्कुल सही कह रहा है डीकरो भी, चौकीदार के यहाँ पे फ्री में फीस लेते हैं, वो किस लिए ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? चोरों को भगाने के लिए तो। हां ये भी है। अरे वो मैं ऐसे ही ले आया यार, क्या हो गया, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, तुम बताना मत किसी को, तुम मेरे दोस्त है ना। मैं तो पीटीआई सर को बताने जा रही हूँ कि राहुल फोन लाया है। अरे तू मेरे दोस्त नहीं है? अरे भाई तो जितना मुझे गिड़गिड़ा डाले हम तो बताएंगे सर को। हाँ अरे नहीं यार प्लीज मत बताना यार, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, प्लीज मैं तुम्हें फोन चलाने भी दूंगा। अरे नहीं भाई हम तेरे दोस्त नहीं है, इस मामले में तेरे दोस्त नहीं है, सर तो मुझे मारेंगे ना, मजा आएगा मेरे को तो। चल ठीक है नहीं बताएंगे, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पबजी खेलने देगा। पबजी खिलानी पड़ेगी? पबजी को चीज है भाई, मेरी शर्त है, मेरी शर्त सुन, मेरे को चाहिए कैंटीन वाली पाव भाजी, अगर पाव जी खिलाएगा तो हम सोच सकते हैं कि सर को नहीं बताएंगे। फिर तो मेरी भी शर्त है, मेरे को भी चटनी के साथ पैडिस खिलानी पड़ेगी। अरे मुझे भिंडी की सब्जी, तेरे का गु खिलाऊंगा मैं। मेरा भी नहीं यार, मैं पैसे नहीं है, मैं नहीं खिला सकता, समझो बात।
फिर तो बढ़िया है, पैसे नहीं है, हंसेगा ना, मार पड़ेगा तो और मजा आएगा। अरे फोन ना प्रिंसिपल सर को, देखो देंगे भी नहीं। अच्छा पैसे नहीं है ना, चल डिग्रो सर को बता कर आते, पीटीआई सर को। चल हाँ चलो चलो। पीटीआई सर को क्यों, क्या प्रिंसिपल को बताना है क्या? अबे नहीं यार। अच्छा सीधा उससे भी ऊपर ट्रस्टी, सीधा स्कूल से रस्सी गेटी हो जाएगा, उसे भी निकाल देंगे। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, मैं खिलाऊंगा खिलाऊंगा। देखा 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 गाइस, देखा कैसे दर्द की चेहरे से टपक रही है इसके। हैं अब पैसा आ गया तेरे पास, पहले पैसे नहीं थे। आ गए, मैं खिला दूंगा। चल फिर अब खिलाना, कैंटीन में लंच ब्रेक तो हो गया। चल चल चल, खाऊंगा पनीर वाली और मैं खाऊंगा। बात करो। करना कितना हो गया तेरा? घंटा भी एक पेज हुआ है यार। इस प्रिंसिपल के बेटे के नक्शे ही अलग हैं, हाथ पैर भी दबा रहा है, तुमसे होमवर्क भी करवा रहा है। अरे यार तू पागल है ना, तू इसके हाथ पैर दबा क्यों रही है? इसका तो गला दबा दे गला। अच्छा आइडिया है, बढ़िया गला दबा देंगे तो हमारी ऐसी तैसी हो जानी है। क्यों? अरे प्रिंसिपल स्कूल से निकाल देगा ना, प्रिंसिपल का बेटा है। यही तो बात है, इसी का यही तो दहशत है इसकी, स्कूल में प्रिंसिपल का बेटा कहीं का। मेरा पास चलता है इसकी तो ऐसी तैसी कर दूं मैं। राहुल भाई अरे जब ये सोडियम CO2 से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन से, तो ये क्या बनाएगा? ये भी मैं बताऊं है? चीजी तो बताना यार, क्या बनाएगा ये? अरे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनेगा। हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यार हम इसका उपयोग कर ही क्यों रहे हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ यार, अलग ही नखरे हैं। देखियो हाथ पैर दबा रहा है और उम्मक तुमसे करवा रहा है। हाँ तुम कर क्यों रहे हो इसका उम्मक? अरे इसमें हमारा भी तो फायदा है ना। फायदा? कैसा फायदा? हाँ हमारा कौन सा फायदा होगा इससे? अरे पागल, जब रिजल्ट आएगा तो पास कौन करवाएगा? यही तो चोट है, सारी दिक्कत तो यही आ रही है। लेकिन हम इसका होमवर्क क्यों कर रहे हैं? मेरा तो मन कर रहा है कि पैन फैक्ट मारो इसकी नाक में घुस जाए। अटक जा ही मैं, डर है सब सुन रहा हूँ मैं। मैं कह रहा था मैटर एनर्जी से अगर जितनी है काइनेटिक एनर्जी के साथ है ना, मैं भी यही सोचा था कि पैन फैक्ट के मारूं तो अपने आप ही लिखने लग जाएगा। ये मैंने पूरी नींद खराब कर दी। अबे ओ एक बात बता, अगर मान ले तू फेल हो जाए किसी सब्जेक्ट में तो तुझे पास कौन करवाएगा? भैया कहीं लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो वहां बचाने कौन आएगा? भैया और कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर मार रहा होगा तो बचाएगा कौन? अरे भैया तो फिर बहस मत करो, चुपचाप से होमवर्क करो, ठीक है ना? और वैसे भी होमवर्क तो एक फॉर्मेलिटी है, पास तो मैं ही करवाऊंगा है, नंबर्स तो मैं ही दिलवाऊंगा, सब नंबर्स का ही तो खेल है, है? पास होना है कि नहीं? ओए क्या बात कर रहे हो तुम लोग? जी सर। हाँ सर। अरे ओए हाँ तुम, कल का होमवर्क दिखाओ मुझे अपना। अरे सर मैंने कल तो दिया था आपको होमवर्क, भूल गए क्या? आज का होमवर्क दिखाओ मुझे अपना। अभी दोगे होमवर्क तभी तो करेंगे सर। हाँ अबे मेरे से बहस करेगा, बताओ तुझे अभी। एक्सक्यूज मी सर, क्या दिक्कत है? बच्चे परेशान कर रहे हैं क्या आपको? बच्चे तो परेशान कर ही रहे हैं, ये बता तू कौन है? आपको पता नहीं क्या मैं कौन हूँ? तू तो ऐसे कह रहे जैसे प्रिंसिपल का लड़का हो। अरे सर प्रिंसिपल का लड़का ये आपकी नौकरी देगा? स्कूल इसके पाप का ही है। अरे फिर क्या हो गया, तू प्रिंसिपल का लड़का है तो मैं अपनी ड्यूटी ना करूँ क्या? एक मिनट रुको सर, मैं ना पापा को फोन करके बोल देता हूँ कि आपको इस स्कूल से निकाल दे ताकि दूसरे सर आ जाए, है ना? क्योंकि आप तो हमारी बेइज्जती करते रहोगे, है ना? एक अरे जा कर अपने पापा को फोन। रुको मैं बात करता हूँ ना। अरे सर ये प्रिंसिपल का लड़का है, पूरे स्कूल में नाम चलता है इसका, राहुल। अरे फालतू में अपनी नौकरी खोदोगे, फायदा नहीं है कुछ। अरे राहुल बेटा, अरे छोड़ो पुरानी बातों में मिट्टी डालो, होता रहता है, कोई नहीं, एंजॉय करो तू। सर अब लाइन पे चलो, आप अपना काम करो हम अपना करते हैं, करो करो करो। अरे ये बेटा पहले कह देते तुम मुझे। सर गुस्से में पूछती हूँ,
अरे सर क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आज मैंने 1.5 घंटा लगा के तुम सबके होमवर्क चेक करे, होमवर्क। हाँ मेरा भी करा था। हाँ मगर पूरी क्लास का चेक करा, वो 3 नमूने कहाँ है? 3 नमूने। कौन 3 नमूने? अरे चिद्दी, राहुल और वो डीकरो। अच्छा, अरे वो तो मुझे पता है कहाँ है। कहाँ है, कहाँ, जल्दी बता। मैं नहीं बताऊंगी। मैं बेटा बता ना कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या फायदा होगा इसमें, मेरे को क्या मिलेगा? अरे बेटा क्या चाहिए तेरे को, बता। तो सर वो आपने मैथ का यूटी लिया था ना, उसमें ना मैं फेल हो जाऊंगी, तो आप बस मेरे को फुल मार्क्स दे देना। अरे बेटा क्यों टेंशन ले रही है, मेरे उतने टेंशन मत ले, बराबर बराबर नंबर दूंगा, बराबर। हाँ सर ठीक है, आप मेरा ये काम कर देना, मैं आपका वो काम कर दूंगी, मैं आपको बता दूंगी कि वो तीनों कहाँ छुपे, और अपने ना वादे से मत मुक करना, आप समझ गए? अरे बेटा तू बता तो, मैं पास कर दूंगा तेरे को यूटी में। सर आपको पता है वो तीनों कहाँ छुपे हैं? वो तीनों ना आपकी क्लास का बंक मार के गर्ल्स वॉशरूम में छुपे हुए हैं। गर्ल्स वॉशरूम में? पहली गलती मेरा होमवर्क नहीं करा, दूसरी गलती बंक मार के छुपे हुए, और तीसरी सबसे बड़ी गलती गर्ल्स वॉशरूम में छुपे हुए। आज तो इनको मुर्गा बना बना के इनके मार मार के लाल कर दो। हाँ सर वहाँ पर है, वहाँ पे उस वाले वॉशरूम जाओ। मेरे को फुल मार्क्स मिल जाएगी, मैं पास भी हो जाऊंगी, और वो तीनों पिट भी जाएंगे, बड़ा मजा आया। अरे यार बंक मार के यहाँ आना था क्या? भाई बढ़िया है ना, गर्ल्स वॉशरूम में छुपे हैं भाई, किसी को भनक तक नहीं पहुंचे कि हम कहाँ पे छुपे हैं। अगर कोई सर आ भी गया तो कहाँ जाके देखेगा? बॉयज वॉशरूम में, गर्ल्स का तो अंदाजा ही नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, होमवर्क करके ले आते तो ये नहीं करना पड़ता। अरे होम मैंने किया था, मैं अच्छे कॉपी रखी थी, वो घर भूल गया। गर्ल्स क्या खाता है? राहुल एक बात बता यार, यार ये गर्ल्स का तीनों ऐसे इकट्ठे क्यों मार गए सारे के सारे, यार कोई शर्म नहीं आती होगी यार? तो वो लड़कियां हैं यार, उनके में सब चलता है, साथ में नहा लेती हैं, साथ में मूंछ लेती हैं, जो भी है यार वो कर लेती है, हैं? और हम तो लड़के हैं, हम तो धार मारते हैं, हम भी तो करते हैं, साथ में पेचे लड़ाते हैं। कौन है? कौन है? मैं तुम्हारा टीचर। गर्ल्स है ना, हम सुशु करने आई हैं यहाँ पे। हाँ और मैं बिमला। और मैं सीमा। सुशु बाहर निकले जल्दी। अरे सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? सर आप हमें ऐसे देखोगे नग्न अवस्था में? हाँ गलत बात। बाहर निकले जल्दी। नहीं सर वो ट्वेंसी के पुलिस में बाहर ही खड़े हैं, हमें देखने के लिए तो हम जाओ। हाँ बाद में आना। अरे तुम जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारी शक्ल देखनी है मुझे। सर आपको शर्म नहीं आ रही क्या? अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंजॉय करो एंजॉय करो, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। बच गए भाई, आज तो बैंड ही बच जाती। हेलो, कौन है? मैं चंपा। मैडम है जी, मैं बोलो। तुम बॉयज इस गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो? वो ना हमारे बॉयज वॉशरूम का ना नल खराब था, इसलिए हम इसमें आ गए। अभी आते हैं, 5 मिनट बाहर आते हैं। आ रहे हैं मैं हमारे। अच्छा तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे भी वॉशरूम जाना है। क्या करना है वो? चलते हैं ना। वैसे मैडम ही है। हाँ कुछ नहीं कहेगी। सर थोड़ी है। चलो चलो। ओके मैडम, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आजा मैडम, मैडम आओ। मैडम जी आप कहाँ पे हो? मैं ये रही तुम्हारे सामने। मैडम पीछे है। मुझे पागल बनाते तुम तीनों के तीनों। आज तो तुम्हारा भूत उतार दूंगा डंडे से। सॉरी गलती
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मेरा पीरियड बंक करो, और दूसरी सबसे बड़ी गलती होमवर्क करके लाए, और तुम्हारी तीसरी सबसे बड़ी गलती कि तुम तीनों लड़कियों के वॉशरूम में छुपते हो। तुम्हार को तो मार मार के लाल कर दूंगा तीनों को। सॉरी अरे तेरी तो बस।